Don't think that's it. ये देखिए नाजरीन, बड़ा ही लजीज और टेस्टी गोश्त तैयार हो रहा है। चिकन में हम सबसे पहले नमक डालेंगे क्योंकि नमक का जो जायका है वो गोश्त में जज्ब हो जाएगा। बड़ा ही बेहतरीन चिकन तैयार हो जाएगा आज हमारा। गोश्त को तकरीबन 10 मिनट तक हम फ्राई करेंगे। ये जो हमारे पास सुर्ख मिर्च पाउडर है जी, ये हमारे पास आ गया गरम मसाला, और ये हमारे पास अचार गोश्त मसाला है जी, कंपनी का है। नाजरीन अब हम इसमें जो अदरक लहसुन का पेस्ट है वो ऐड कर लेंगे और अच्छी तरह 2 मिनट फ्राई करेंगे। दो हरी मिर्चें हमने जो है जनाब चॉप कर ली हैं, आप इसी तरह कर लीजिए, आपके खानों में ये जायका और लज्जत देती हैं। ये जी नमक का आप रखेंगे और थोड़ा सा फ्राई करते वक्त ऐड करना है और थोड़ा सा बाद में ऐड करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब टाइम आ गया है, टमाटर और जो प्याज था हमने उसका पेस्ट बना लिया गठाई। अब हम इसको भुने हुए गोश्त में ऐड कर लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वाह जी वाह, क्या बेहतरीन पेस्ट हमारे पास तैयार हुआ है। अब हम इसे अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे और तकरीबन 2 से 3 मिनट तक पकाएंगे। अब आ गई मसालों की बारी। सबसे पहले आप ने जो अचार गोश्त मसाला लिया है उसे ऐड कर लीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या शानदार कलर है और इससे आपके खानों में बेहतरीन ही अलग सा अंदाज पैदा हो जाता है। यह हम तकरीबन सारा ऐड कर लेंगे। आप कोई सा भी मसाला ले सकते हैं किसी भी कंपनी का। गरम मसाला हम आधा चम्मच इसमें ऐड करेंगे। सुर्ख मिर्च पाउडर जो है वो भी तकरीबन आधा चम्मच हम इसमें ऐड कर लेंगे, और हल्दी पाउडर इसमें भी हम तकरीबन आधा चम्मच ऐड करेंगे। 4 से 5 मिनट हम इसको अब ढक देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए कितना 5 मिनट ढकने के बाद कितना ही बेहतरीन और टेक्सचर आ गया है, बेहतरीन किस्म का। ये देखिए हम आपको गोश्त की कंटेंसिटी है वो आपको चेक करवा लेते हैं। ये देखिए नाजरीन, जो गोश्त है बिल्कुल अलग होना शुरू हो गया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए नाजरीन कितना ज़बरदस्त और कितना बेहतरीन कलर इसका आ चुका है। आने रहीम। अब हम इसमें जो हरी मिर्चें वो चॉप की हुई थी वो हम इसको ऐड कर लेंगे। इससे जो आपकी कढ़ाई का जायका है वो बिल्कुल बेहतरीन किस्म का हो जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन देखिए कितना बेहतरीन और अच्छा कलर आ चुका है कढ़ाई का। अब हम इसमें आधा चम्मच नमक ऐड कर लेंगे। वाह जी वाह, क्या बेहतरीन हमारी कढ़ाई का कलर आ गया है। अब हम इसमें दही ऐड कर लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम दही ऐड कर लेंगे जनाब। अब इसको हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे।
तकरीबन हम इसको 5 मिनट के लिए ढक देंगे ऊपर से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये देखिए कितनी बेहतरीन हमारी कढ़ाई तैयार हुई है। हम आपको गोश्त चेक करवाते हैं। ये देखिए हम इसे चम्मच के साथ उठाते हैं ऊपर। ये देखिए बिल्कुल बेहतरीन कढ़ाई हमारी तैयार हो चुकी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अब हम इसमें थोड़ी सी गार्निशिंग कर देंगे। गार्निशिंग हमारी हो चुकी है, देखें कितनी बेहतरीन कढ़ाई बन के तैयार हो चुकी है। एक बार आप ज़रूर ट्राई कीजिए। उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगेगी। अगर अच्छी लगे तो इसे लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए ताकि आपको अच्छी सी वीडियोस मिल सकें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।